नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल के समय में देखा जा रहा है पिछले कुछ टाइम से कि युद्ध का माहौल चल रहा है। जिधर देखो उधर युद्ध चल रहा है। जैसे कि आज से 2.5 साल पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, वो अभी भी चल रहा है, अभी उसमें समाप्ति नहीं हुई है। उसके बाद हमने देखा पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल के नागरिकों के ऊपर हमास ने हमला करा और कुछ लोगों को बंधक बना लिया और लेकर चले गए। वहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरा युद्ध, जिसमें हमास इसराइल का युद्ध स्टार्ट हो गया। हमास एक तरह से विलुप्त होने की कगार पे आ गया, इसराइल ने इतना मारा। उसके बाद हमास, हिजबुल्ला और इसराइल, ये ट्रायंगल एक युद्ध स्टार्ट हो गया। अभी मतलब हमास समाप्त भी नहीं हुआ कि हिजबुल्ला ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। वहीं ईरान ने भी मिसाइलें बरसाईं इसराइल के ऊपर, और ये सब अभी चल ही रहा है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी तनातनी शुरू हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो तनातनी स्टार्ट हुई नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में और ताइवान और चीन में भी संभव है कि कुछ आगे हो जाए। दोस्तों, आखिर इन सब के पीछे बेनिफिशरी कौन है, किसको फ़ायदा मिलने वाला है और किसका नुकसान होने वाला है? दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और अमेरिका बहुत मतलब एक दूसरे के जानी दुश्मन जिसको कहें वो हैं। अब इन दोनों के बीच दुश्मनी इतनी ज़्यादा है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते देखना भी। और अमेरिका पैसे से भी बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी से भी बहुत मजबूत है। और वहीं रूस की बात करें तो रूस के पास टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, ये उसके साथ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, उसके पास ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है रूस के पास, और क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, जब से यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, यूक्रेन उतना बड़ा देश नहीं है रूस के सामने, रूस के सामने बहुत छोटा है, लेकिन दोस्तों अभी भी वो हारा नहीं है। जो युद्ध हार्डली 10 दिन का था, जो रूस को लग रहा था कि हम 10 दिन में सब ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो 2.5 साल से ज़्यादा चल गया। उसके पीछे कारण है अमेरिका और पश्चिमी देश। इन्होंने भरपूर समर्थन दिया यूक्रेन को, हथियार दिए, पैसा दिया, यहाँ तक कि मतलब ज़बरदस्त तरीके से सैनिक तक की व्यवस्था करी, अच्छे खासे तरीके से यूक्रेन को बैक किया गया। वो आज भी रशिया के सामने युद्ध को लड़ रहा है। अब रूस चाहता था कि ये जो यूक्रेन को समर्थन इतना मिल रहा है पैसे रुपए हथियार से, ये कहीं ना कहीं इसको बांटा जाए, इसकी रोको किसी भी तरीके से, ऐसा रूस को लगा। तो रूस ने कुछ चीज़ें करनी शुरू करी। उसने कुछ हथियार हिजबुल्ला को दिए और ईरान के थ्रू पहुँचवाए। अब जब हथियार पहुँचे तो हिजबुल्ला ने इसराइल पर आक्रमण करना शुरू करा। अब इसराइल वहाँ लड़ ही रहा है। अब इसराइल को सपोर्ट यूएस को करना ही करना है, तो यूएस ने इसराइल का सपोर्ट किया भी। अब सपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, यहाँ तक कि सैनिक भी भेजे हैं 100 सैनिक यूएसए ने। तो अमेरिका ने जब ये सब किया तो उसने करीब 14-15 बिलियन डॉलर की मदद करी इसराइल की। और ये जो 14-15 बिलियन डॉलर की जो मदद करी है, ये कटौती करी यूक्रेन में, यूक्रेन को यही पैसा मिलना था। तो रूस बस यही चाहता है कि किसी भी तरीके से अमेरिका को फ्री ना होने दो, इसकी जो रिसोर्सेज हैं इसको बांट कर रखो। तो एक तरफ तो उसने यूक्रेन की तरफ से जो ये फंडिंग होनी थी अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को, उसमें कटौती करवा दी, और दूसरी तरफ इसराइल को भी इंगेज कर दिया हमास और हिजबुल्ला में, साथ में ईरान के साथ सपोर्ट में वो है ही है कि ईरान का भी एक ख़तरा है इसराइल के ऊपर, इसलिए अमेरिका वहाँ पर तो पूरी अपने नज़र रखेगा ही रखेगा और रख भी रहा है। दूसरी चीज़, जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे युद्ध वाले हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब समस्या ये है यूएस के सामने कि अब उसने नॉर्थ कोरिया की तरफ जो अपने हथियार डिप्लॉय कर रखे हैं, सैनिक लगा रखे हैं, वो उसको वहाँ से अब हटा नहीं सकता, क्योंकि उसने गारंटी ले रखी है साउथ कोरिया की सिक्योरिटी की यूएसए ने, तो इसलिए वो हटा नहीं सकता। तो उसके रिसोर्स वो वहीं पे जमे जमाए रहेंगे, कितना भी आप आगे कुछ हो नहीं हटा पाएगा। और
ताइवान और चाइना इन दोनों के बीच में तनातनी है। ताइवान के आसपास वो घेराबंदी कर ही रहा है चीन, अब वो कब आक्रमण कर दे ये पता नहीं। तो अमेरिका को सपोर्ट करना पड़ेगा ताइवान को भी। तो रूस बस ये चाहता है कि किसी तरीके से ये इंगेज हो जाए। अब वो इनको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे से फंसाने वाला है यूएसए को। रूस उसने सारी चाल चल दी हैं और किम जोंग उन जो यहाँ के तानाशाह हैं नॉर्थ कोरिया के, वो आए दिन कोई ना कोई बवाल कर ही रहे हैं साउथ कोरिया के साथ। कुछ ना कुछ वो कमेंट करते हैं, यहाँ तक कि अभी बना बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर दोता रोड खुदवा डाली पूरी, तुड़वा दी, ब्लास्ट से तुड़वा दी साउथ कोरिया के पास की जो बॉर्डर की थी नॉर्थ कोरिया में। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि जो 21वीं शताब्दी है इसका एक रोड मैप दिख रहा है कि आखिर ये जा किधर रहा है। ये युद्ध के ही भेंट चढ़ने वाला है, ये शुरुआत हो चुकी है, अब ये कितना आगे तक जाएगा अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अब जैसा भी होगा अब हम लोग आगे देखेंगे ही। धन्यवाद।